क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है जो सी लेवल पर है और एक सी पर दो शिप है एक दूसरे के जस्ट पीछे, एक शिप यहाँ तो एक पीछे यहाँ, और दोनों बढ़ रहा है लाइट हाउस की तरफ, और लाइट हाउस का जो टॉप है उससे एक शिप का एंगल बन रहा है 45, दूसरे का बन रहा है 30 डिग्री। लाइट हाउस का जो हाइट है वो 75 मीटर है, फाइंड करने बोल रहा है इन दोनों के बीच का सेपरेशन कि दो शिप कितने डिस्टेंस कितने गैप से आ रहा है, इसको हम लेंथ ले लिए x और इस लेंथ को ले लिए हम y, ठीक है, और ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं, दिस पॉइंट इज ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये जो चार पॉइंट है ऐसा करने से यहाँ तीन ट्रायंगल बन रहा है, इन तीन ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी सी और एक ए बी डी, ये ट्रायंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ब्लैक रेड और ब्लू से जो बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है वो। दूसरा, और इसमें हमको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, तो कैसे करेंगे, देखिए 75 और एंगल के हेल्प से वाई निकाल लेंगे, और 75 और 30 का हेल्प लेके पूरा निकाल लेंगे, पूरे में से वाई माइनस का एक्स निकल जाएगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप समझिए कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी से इस ट्रायंगल से इसका हेल्प लेके वाई निकालिए, आप लगाइए tan 45, काफी आसान, tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस, 45 के लिए परपेंडिकुलर कोण एंगल के सामने ये मतलब ये परपेंडिकुलर, तो 75 यहां परपेंडिकुलर हो गया, बेस कौन हो गया y, tan 45 का वैल्यू 1, तो 75 बाय 1, y मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y का वैल्यू देखिए मिल गया 75 मीटर, y मिल चुका है। अब दूसरा ट्रायंगल आ जाइए, उस दूसरे ट्रायंगल से x निकल जाएगा, इन ट्रायंगल ABD, ABD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां भी आप tan लगाइए, क्योंकि हमको इस लाइन से मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूस से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर बेस से मतलब है, tan 30 लगाइए, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 75, अब बेस क्या, तो इस ट्रायंगल में पूरा ये बेस है तो पूरे बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा x + y। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 75 रह गया, x रह गया, y का वैल्यू आपको पता है y कितना है 75, ये रूट थ्री यहां से जाएगा मल्टीप्लाई, ये इससे आ जाएगा, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम आ जाएगा x + 75, ये जाके रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 75√3, 75 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 75√3 माइनस 75 x का वैल्यू, 75 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x का वैल्यू इतना मीटर, मींस सेपरेशन बिटवीन दिस टू शिप इज 75√3 माइनस 1। और इसको आप आंसर में ऐसे ला सकते हो, रूट थ्री का वैल्यू रख करके x इज इक्वल टू 75, रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, तो फाइनली आ जाएगा 75 इंटू 0. माइनस कर दीजिए 732, ये आंसर अप्रोक्स 60 के करीब में आना चाहिए, चेक कर लेते हैं 75 इंटू, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है 0.732 54.9, 60 के करीब में, तो x का वैल्यू 54.9 मीटर। तो चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, देयरफॉर सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर, ये हम लिख सकते हैं रूट के टर्म में भी 75√3 - 1, या इसको लिखा सकता है 54.9 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको आज सवाल में और भी मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस करिए तो कमांड आएगा, तब जाकर आगे फायदा होगा। इन सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ये सब क्वेश्चन कोई बड़ा चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसे मार्क्स उठाइए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 3-1 करके 4 का भी आता है, तो आप इसको नोट करिए और बनाए कुछ की।